हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल एंड द चैनल इज अबाउट द इट इज एजुकेशनल चैनल, जहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस सारे सेक्शंस की तैयारी करने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और देखिए, अगर आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है सेशन, तो डेफिनेटली आपको चैनल में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी जो हमारा DSSSB का एग्जाम है, JJA जो कंडक्ट जो DSSSB कंडक्ट करा रहा है, JJA SPA का एग्जाम, तो ये अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, अलग अलग दिन हो रहा है। तो जब इनिशियल 3 मार्च को एग्जाम हुआ, तो देखा गया कि जो पेपर का लेवल था, जो इंग्लिश का लेवल था, वो काफी ठीक था। बट अभी जो 9th मार्च एंड 10th मार्च को एग्जाम हुआ, 9th मार्च के 3rd शिफ्ट तक भी इंग्लिश, रीजनिंग एंड GK ठीक था। मतलब इन द केस ऑफ 9th मार्च जो GK था वो मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट क्यों? क्योंकि 11-12 तो ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी जो ये टोटल GK भी 30 मार्क्स का है, रीजनिंग 30 मार्क्स एंड इंग्लिश इज द मेन, इंग्लिश आ रहा है 60 मार्क्स। तो जब तक हम ये 9th मार्च की बात कर रहे थे, तब तक देखा गया कि हर एक जो सेक्शन था वो मॉडरेट लेवल का था, और GK में भी अराउंड 12-13 क्वेश्चंस यू कुड अटेम्प्ट। मगर जैसे ही 10th मार्च आई, तो 10th मार्च में जब एग्जाम हुए अलग अलग शिफ्ट में, तो देखा गया कि GK की लेवल तो बहुत हाई हो गई। GK में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे गए थे कि जो बहुत ही कैलक्यूलेटिव और बहुत ही, अगर कहाँ कहाँ के बुक से बहुत अंदर से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, राइट? सो चिल्ड्रन, व्हेन आई हैड अ टॉक विद द स्टूडेंट्स, देन दे सेड दैट दे वर ओनली कॉन्फिडेंट अबाउट 5-6 क्वेश्चंस, और बाकी उन्होंने कहीं सुना था, ये था। तो फिर दैट इज व्हाई ये अब जो लेवल है, DSSSB जो लेवल है, इंक्रीज कर रहा है। जो इंग्लिश में 3rd मार्च में हमारा आया था इजी इडियोम्स आया था, अब जो इडियोम्स है, जो बच्चों ने बोला है कि इडियोम्स तो ऐसे आए थे कि जो कि सुने भी नहीं गए थे। इडियोम्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि बुक से पूरा पढ़ा था, बट दे कैन कुड नॉट गेस ऑल्सो दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट इडियोम, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आया था, एंड द क्वेश्चन वॉज ऑफ मॉडरेट टू हाई लेवल इन इंग्लिश एज वेल। एंड वेन वी टॉक अबाउट द रीजनिंग, रीजनिंग भी थोड़ी सी कैलक्यूलेटिव आ गया, इन द सेंस कि उन लोगों को टाइम लग रहा था वो सॉल्व करने में। सो दैट इज वाई प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, टू डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब जो पहले के हैं आपकी GK हैं, जो आपके इंग्लिश है, उसमें जब क्वेश्चन आ रहा है, तो तुरंत तुरंत कर लेना, क्योंकि रीजनिंग में एटलीस्ट इफ यू विल हैव 45 to 50 मिनट्स, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग टाइम देखते हैं और देखते हैं कि आधा घंटा बचा है और इतने क्वेश्चन बचे हैं, तो फिर टेंशन हो जाती है। तो ऐसी प्लानिंग करना कि अराउंड 45 मिनट्स रीजनिंग के लिए बच जाएं, और इफ यू आर कंफर्टेबल रीजनिंग से ही स्टार्ट कर लेना। ऐसे नहीं कि रीजनिंग करते करते 1 घंटा हो गया, फिर GK और इंग्लिश करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। सो देर हैज टू बी प्रॉपर प्लानिंग, बिकॉज अब जो लोग अब कुछ सोच रहे होंगे कि 9th मार्च में एग्जाम हो गया, तो हम तो अनलक्की हो गए कि हमारा तो बहुत हार्ड, हम लोगों का लक्की थे कि इजी आ गया। अब 10th, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेट नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। बट दिस सेक्शन इंग्लिश में अगर आपके 5 मार्क्स बढ़ पा रहे हैं, रीजनिंग में आपको लग रहा है कि 25 आ रहा है, उसको ट्राई करो कि 28 हो जाए, बिकॉज दिस विल बी द गेम चेंजर।
when we talk about the final cutoff, तो जो जीके है वो तो यू नो नेवर नो कि क्या क्वेश्चन आ जाए वहां पे, बट अपनी इंग्लिश रीजनिंग इतनी स्ट्रांग रखना दैट वेन वी टॉक अबाउट द फाइनल कट ऑफ, मतलब जब 120 से जब होगा तो एटलीस्ट यू आर एबल टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ, क्वालिफाई कर पाओ, तो एटलीस्ट कीप द टारगेट हाई 95 प्लस अभी अनरिजर्व लोग रखना ताकि यू डोंट हैव द टेंशन कि बाद में डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, सो वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टेंशन। सो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ऑलरेडी साइंस के क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ देर इज एनी अदर क्वेरी, इफ यू वॉन्ट सेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, डेफिनेटली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सो डोंट, एक तो पैनिक नहीं होना है, डोंट बी एंग्शियस इन द एग्जामिनेशन हॉल, बी रिलैक्स्ड। एंड जब रिलैक्स रहते हैं तो ऑलरेडी जो हमारा, जब हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग, सो द रीजनिंग में हम लोगों का डायरेक्शन है, डायरेक्शन टेस्ट है, आपकी सीरीज आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सो इट इज नॉट अ वेरी, ऐसा नहीं है कि बहुत जो एसएससी लेवल का है वैसे लेवल का आ रहा है, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। ब्लड रिलेशंस आ रहे हैं तो फिर आसानी से तो हो जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग, ठीक है। सो दैट इज वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू। सो आफ्टर अभी जो हम लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है, उसके बाद अगेन आई विल टेल यू, आई विल एनालाइज एंड आई विल लेट यू नो कि क्या पेपर आया था, क्या लेवल रहा क्वेश्चन पेपर का, बट ये तो आप मान के चलिए कि पैटर्न चेंज हुआ है। एंड जो हम लोग पहले आगे 3rd 4th मार्च की देख के चले थे कि ये आना है, ये इडियम्स आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, द लेवल इज इंक्रीजिंग, द क्वेश्चंस फ्रॉम जीके इज आल्सो, जैसे कि जैन धर्म कौन सी जगह में बहुत पॉपुलेशन हाई है, तो सेंसेस का बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट इज नॉट इजिली, इतने इजिली सबको नहीं आ पाता है, सो दैट इज वाई वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स होप दैट वी मीट अगेन सून। So, thank you everyone.